हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। आज फाइनल कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, फाइनल पार्ट आज करेंगे मैक्स वेबर का। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में जो भी हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि फिलर फॉर्म का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। जून 2024 के लिए ठीक, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए 13 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हैं पेपर टू के और फर्स्ट पेपर। तो सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्स के लिए ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कोड को यूज करने पे। और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए आप करते हैं तभी आपको मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अलीम 10 ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली 3 PM पे होती हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। इन केस अगर 3 PM पे क्लासेस नहीं हो पाएंगी तो 8 PM पे होंगी। सो मैक्स वेबर पार्ट 3, पार्ट 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से और कॉन्सेप्ट हैं जो मैक्स वेबर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासेस, क्लास के टाइप्स। कार्ल मार्क्स ने भी टाइप्स ऑफ क्लास बताए हैं, बार्जोजीज, पेटी बार्जोजीज एंड लास्ट इज वर्किंग क्लास, दैट इज प्रोलेटेरियट। ठीक, वर्क के प्रकार कौन कौन से बताए हैं मैक्स वेबर ने, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है द प्रॉपर्टाइड क्लास। द प्रॉपर्टाइड क्लास, प्रॉपर्टी ओनर्स, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप रखते हैं, उन्हीं को ही मैक्स वेबर ने प्रॉपर्टाइड क्लास कहा है, प्रॉपर्टी ओनर्स कहा है। ठीक, द प्रॉपर्टाइड क्लास, प्रॉपर्टी ओनर, ये सबसे अपर क्लास होते हैं। ठीक, संपत्ति वर्ग, यानी कि ऐसे वर्ग जिनके पास संपत्ति होती है, जो संपत्ति के मालिक होते हैं, उनको संपत्ति वर्ग कहा है मैक्स वेबर ने। ठीक, नेक्स्ट आता है द नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास। द नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास, नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास कौन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जज, अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट्स, ये सारे लोग जो है नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ओनर्स नहीं होते हैं। ठीक, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है। द नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास प्रोफेशनल्स, एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जज, अकाउंटेंट्स,
कंसल्टेंट्स, ये सारे लोग नॉन प्रोपर्टाइड क्लास में आ जाते हैं। गैर संपत्ति वर्ग किसको कहा है मैक्स वेबर ने? जो पेशेवर लोग हैं, ठीक, जो पेशेवर लोग हैं उन्हीं को गैर संपत्ति वर्ग कहा है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, अकाउंटेंट और सलाहकार, ये सारे लोग पेशेवर होते हैं और इन्हीं को मैक्स वेबर ने गैर संपत्ति वर्ग कहा है। ठीक, इन्हीं को मैक्स वेबर ने गैर संपत्ति वर्ग कहा है। सो टाइप्स ऑफ क्लास वर्क के प्रकार में सबसे पहले आता है, हम लोगों ने सबसे पहले देखा है द प्रॉपर्टाइट क्लास। प्रॉपर्टाइट क्लास को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कौन होते हैं? संपत्तिवान उच्च वर्ग, प्रॉपर्टाइट अपर क्लास। ठीक, संपत्तिवान उच्च वर्ग, द प्रॉपर्टाइट अपर क्लास। दे वर द अपर क्लास पीपल हु हैड एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी विच वॉज देयर वे ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम टेनेंट्स। सो इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं टेनेंट से, और यही उनकी जो है कमाई का जरिया होता है। ठीक, दे वर द अपर क्लास पीपल हु हैड एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास होती है, विच वॉज देयर वे ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम टेनेंट, जिसके जरिए वो टेनेंट से रेवेन्यूज को कलेक्ट करते हैं। संपत्तिवान उच्च वर्ग किसको कहा है मैक्स वेबर ने? वे उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास अपार संपत्ति थी। जिनके पास क्या है? अपार संपत्ति थी, जो किराएदारों से राजस्व इकट्ठा करने का उनका तरीका है, यानी कि उसी प्रॉपर्टी का, उसी संपत्ति का इस्तेमाल करके, उसी अपार संपत्ति का इस्तेमाल करके वो किराएदारों से किराया इकट्ठा करते हैं और राजस्व इकट्ठा करते हैं और उसी से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, उसी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उसको चलाते हैं। ठीक, वर्ग के प्रकार में सबसे पहला आता है संपत्तिवान उच्च वर्ग। वो उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास अपार संपत्ति थी, जो किराएदारों से राजस्व इकट्ठा करने का उनका तरीका है, यानी कि उसी संपत्ति के जरिए वो किराएदारों से राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक, दूसरी क्लास है द पेटी बार्जुजीस। द पेटी बार्जुजीस एग्जाम्पल है शॉपकीपर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर। पेटी बार्जुजीस किसको कहा है मैक्स वेबर ने? इसका एग्जाम्पल दिया है शॉपकीपर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे लोग जो है पेटी बार्जुजीस में आ जाते हैं। जो छोटे शॉपकीपर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये सारे लोग पेटी बार्जुजीस में आ जाते हैं। निम्न पूंजीपति वर्ग, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? दुकानदार, स्वतंत्र ठेकेदार, ये सारे लोग आ जाते हैं पेटी बार्जुजीस या निम्न पूंजीपति वर्ग में। ठीक, दुकानदार या स्वतंत्र ठेकेदार। नेक्स्ट आता है द मैनुअल लेबर क्लास। द मैनुअल लेबर क्लास, ठीक, इसमें वर्किंग क्लास आ जाता है। एग्जाम्पल है फैक्ट्री वर्कर्स, क्लीनर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, ठीक, रिटेल असिस्टेंट्स, ये सारे लोग आ जाते हैं मैनुअल लेबर्स में, यानी कि वर्किंग क्लास में। ठीक, श्रमिक वर्ग में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? उदाहरण के लिए फैक्ट्री कर्मचारी, सफाई कर्मी, डिलीवरी ड्राइवर्स, खुदरा सहायक, ये सारे लोग जो है इसमें आ जाते हैं। श्रमिक वर्ग, उदाहरण के लिए फैक्ट्री कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी ड्राइवर्स, खुदरा सहायक, ये सारे लोग जो है श्रमिक वर्ग में आ जाते हैं। ठीक, क्लास इज इक्वल टू मार्केट सिचुएशन। इन्होंने क्लास के डेफिनेशन क्या बताई है? क्लास इज इक्वल टू मार्केट सिचुएशन। वर्ग बाजार की स्थिति के बराबर है, यानी कि बाजार में आपकी क्या स्थिति है वही आपके वर्ग को डिसाइड करता है। इट इज डिटरमाइंड बाय हु ओन्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। क्लास कैसे डिटरमाइन होता है कि किसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है और किसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? क्लास इज डिटरमाइंड बाय हु ओन्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच अमंग दीस डिटरमाइन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो क्लास हो जाएगा। क्लास को डिटरमाइन किया जाता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के जरिए, यानी कि क्लास इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है, कौन सी चीज, वर्ग। वर्ग इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है। ठीक, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग किससे निर्धारित होता है,
तो वर्ग निर्धारित होता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है, इससे निर्धारित होता है, ये मैक्स वेबर ने कहा है। नेक्स्ट आता है रूटेनाइजेशन ऑफ करिश्मा। रूटेनाइजेशन ऑफ करिश्मा, करिश्मा के बारे में हम लोग सुना है, हम लोगों ने सुना है करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मा क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक्टिव, एक्स्ट्रा जो एबिलिटी होती है किसी के पास एक लीडर बनने की, लोगों को कंट्रोल करने की, उसी को करिश्मा कहा जाता है। ठीक, तो इसी को और उसी से निकल के आया है रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा, करिश्मा का नियमितीकरण। विद द डेथ ऑफ करिश्मेटिक लीडर, जब कोई भी करिश्मेटिक लीडर की डेथ हो जाती है, जैसे गांधी जी, गांधी जी क्या थे, एक करिश्मेटिक लीडर थे। उनकी डेथ होने के बाद जो फॉलोअर होते हैं इधर एबंडन द मोमेंट आर इट बिकम मोर ट्रेडिशनल एंड इवेंचुअली इवन लीगल रेशनल। ठीक, सो या तो जो है जो उसके फॉलोअर हैं वो उस मोमेंट को खत्म कर देते हैं जो उस करिश्मेटिक लीडर ने चलाया था। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जब भी जो करिश्मेटिक लीडर होता है उसकी जब डेथ हो जाती है तो या तो जो उसके फॉलोअर हैं वो क्या करते हैं, उस मोमेंट को खत्म कर देते हैं। अगर मोमेंट को खत्म नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि उस मोमेंट को ट्रेडिशनल फॉर्म मिल जाता है, यानी कि वो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है इसलिए वो मोमेंट किया जाता है, एंड इवेंचुअली इवन लीगल रेशनल। और कभी कभी वो मोमेंट जो है लीगल रेशनल बन जाता है। ठीक, कभी कभी वो मोमेंट लीगल रेशनल बन जाता है, यानी कि लॉ का एक पार्ट बन जाता है। ठीक, विद द डेथ ऑफ करिश्मेटिक लीडर फॉलोअर ईदर अबैंडन द मोमेंट आर इट बिकम मोर ट्रेडिशनल एंड इवेंचुअली इवन लीगल रेशनल। ठीक, करिश्माई नेता की मृत्यु के साथ अनुयायियों ने या तो आंदोलन को छोड़ दिया, यानी कि या तो वो आंदोलन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या अधिक पारंपरिक और अंततः कानूनी तर्क संगत भी हो जाता है। ठीक, तो या तो अधिक पारंपरिक हो जाएगा वो आंदोलन, या तो जो है वो कानूनी तर्क संगत हो जाएगा, कानूनी तौर पे वो आंदोलन कानूनन हो जाएगा, कानून में उसको माना जाने लगेगा। ठीक, सो करिश्मा का नियमितीकरण यही है, करिश्माई नेता की मृत्यु के साथ अनुयायियों ने या तो आंदोलन को छोड़, अनुयायी जो होते हैं या तो आंदोलन को छोड़ देते हैं या उसको अधिक पारंपरिक बना दिया जाता है, और या तो उसको कानूनी तर्क संगत बना दिया जाता है। इसी को रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा कहा जाता है। इफेक्टिव अफिनिटी के बारे में बात किया है मैक्स वेबर ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इफेक्टिव अफिनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चुनावी लगाव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये मैक्स वेबर ने दिया था। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु सेज दैट ट्राइब इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस। किसने कहा है कि ट्राइब अपनी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस को खो रहे हैं, ये मैक्स वेबर ने ये भी कहा है कि ट्राइब इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, जनजाति क्षेत्रीय महत्व को खो रहे हैं, जनजाति जो है वो अपने क्षेत्रीय महत्व को खो रहे हैं, जनजाति अपने क्षेत्रीय महत्व को खो रहे हैं, ट्राइब्स इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस। ठीक, सो ये दोनों चीजें, इलेक्टिव अफिनिटी का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर का है, ट्राइब इज लूजिंग टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस ये भी मैक्स वेबर ने ही कहा है, जनजाति क्षेत्रीय महत्व खो रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय महत्व खो रहे हैं, ये भी किसने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार कि हु सेज दैट ट्राइब इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेजिटिमेसी, वैधता। लेजिटिमेसी यानी कि वैधता, ये क्या होती है? अकॉर्डिंग टू वेबर दैट अ पॉलिटिकल रेजिम इज लेजिटिमेट मींस दैट इट इज इट्स पार्टिसिपेंट हैव सर्टेन बिलीफ ऑन फेथ इन रिगार्ड टू इट। ठीक, कोई भी रेजिम जो है, कोई भी पॉलिटिकल रेजिम जो है, अगर लेजिटिमेट है, अगर ये कहा जाए, वेबर ने कहा है कि अगर ये कहा जाए कि कोई भी पॉलिटिकल रेजिम जो है वो लेजिटिमेट है, इसका मतलब कि उसके जो पार्टिसिपेंट है यानी कि जिसने जिसने भी उसमें हिस्सा लिया है, उनको उनके पास जो है उस पॉलिटिकल रेजिम के प्रति बिलीफ है, फेथ है, इसीलिए जो है वो उस पॉलिटिकल रेजिम को लेजिटिमेट मानते हैं। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू वेबर दैट अ पॉलिटिकल रेजिम इज लेजिटिमेट मींस दैट इट्स पार्टिसिपेंट हैव सर्टेन बिलीफ और फेथ,
मतलब कि जब तक बिलीफ और फेथ नहीं होगा तब तक कोई भी चीज लेजिटिमेट नहीं हो सकती। वेबर के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था के वैध होने का अर्थ है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो वैध है, तो उसका ये मतलब होता है कि उसके जो प्रतिभागी हैं, यानी कि जिसने जिसने भी उसमें हिस्सा लिया है, उनका उसके संबंध में कुछ निश्चित मान्यताएं हैं या विश्वास है, यानी कि वो जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पे कुछ निश्चित मान्यताएं हैं या विश्वास है, तभी वो वैध मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। यानी कि क्या मतलब समझ में आया कि वैधता को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, निश्चित मान्यताएं होनी चाहिए या विश्वास होना चाहिए। स्टेटस सिंबल के बारे में क्या कहा है मैक्स वेबर ने? स्टेटस सिंबल स्थिति चिन्ह कह सकते हैं इसको, ठीक, स्थिति चिन्ह। मैक्स वेबर कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सिंबल टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स दैट पीपल बाय एज पर देयर सोशल स्टेटस। यानी कि स्टेटस सिंबल का सिंपल मतलब है कि लोग वही चीजों को खरीदते हैं जो उनके स्टेटस से मैच करता है, ठीक, जो उनके स्टेटस से मैच करता है लोग उसी चीज को खरीदते हैं। जैसे कि एक अगर एक आदमी है, आप उसके हाथ में अगर आईफोन देखते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि वो उसका स्टेटस जो है वो हाई है, ठीक। तभी भी आप देखेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं वो अलग मार्केट से सामान खरीदेंगे, जो फुटपाथ की मार्केट होती है वहां से खरीदेंगे, और जो थोड़ा अमीर होते हैं वो मॉल वगैरह से या जो शोरूम वगैरह होते हैं वहां से सामान खरीदते हैं। तो यही कहना है मैक्स वेबर का कि स्टेटस सिंबल क्या है, लोग अपने स्टेटस को शो करने के लिए ऐसी ही चीजें खरीदते हैं जो उनकी उनके खुद के स्टेटस से मैच करती है, ठीक। आप देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसके हाथ में कोई मतलब जो बहुत लो कंपनी, जो मतलब बहुत सस्ती कंपनी का फोन हो उसके हाथ में, ऐसा नहीं आप देखेंगे कभी, ठीक। हमेशा जो बड़े लोग होते हैं उनके हाथ में आईफोन या एप्पल का फोन ही होगा, ठीक, एमआई या ओप्पो या ये सब फोन जो है नहीं होते हैं उनके पास, ठीक। सो इसी को क्या कहा जाता है, स्टेटस सिंबल कहा जाता है। मैक्स वेबर कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सिंबल टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स दैट पीपल बाय एज पर देयर सोशल स्टेटस। आप कपड़े में भी देखेंगे, एक जो गरीब आदमी होता है वो कोई भी कपड़ा खरीद लेता है पहनने के लिए, लेकिन उससे जो अमीर होते हैं उसी के विपरीत अगर देखें कि जो अमीर होते हैं वो एक ब्रांड का कपड़ा ही खरीद के पहनते हैं, ठीक। इसीलिए मार्केट में अलग अलग ब्रांड आते हैं, ये किसके लिए आते हैं, लोगों के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। इसी को स्टेटस सिंबल कहा जाता है कि लोग अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही सामान को खरीदते हैं, और जैसे जैसे उनका स्टेटस हाई होता जाता है वैसे ही वो और भी ऐसी चीजें खरीदना शुरू करते हैं जो शो करे कि उनका स्टेटस हाई है, ठीक। मैक्स वेबर ने स्टेटस सिंबल यानी कि स्थिति चिन्ह शब्द गढ़ा है जो लोगों द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार खरीदे जाने वाले सामानों के बीच संबंध का वर्णन करती है, यानी कि लोग ऐसे ही सामान खरीदते हैं जो उनकी स्थिति के अनुसार हो, ठीक, ऐसे ही सामान खरीदते हैं जो उनकी स्थिति के अनुसार हो। जैसे कि अगर कोई अल्टो में जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वहीं अगर कोई ऑडी लेकर जा रहा है या बीएमडब्ल्यू लेकर जा रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ उसका स्टेटस हाई, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का स्टेटस सिंबल है। मैक्स वेबर ने स्टेटस सिंबल यानी कि स्थिति चिन्ह शब्द गढ़ा है जो लोगों द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार खरीदे जाने वाले सामानों के बीच संबंध का वर्णन करती है, यानी कि ये बताती है कि उस आदमी या उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। जो लोगों द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार खरीदे जाने वाले सामानों के बीच संबंध का वर्णन करता है। आयरन केज ऑफ रेशनलिटी। अब ये जो रेशनलिटी है, रेशनलिटी की बात बार बार मैक्स वेबर करते हैं, लेकिन ये जो है रेशनलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये रेशनलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि रेशनलिटी क्या है, एक आयरन केज है, एक जेल है, तर्कसंगता का लौह पिंजरा, एक लौह पिंजरा है, यानी कि लोहे का एक पिंजरा है ये जो तर्कसंगता है, ठीक, इसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसकी बात बार बार कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्रीज रेशनलाइजेशन इनहेरेंट इन सोशल लाइफ, यानी कि जब आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन घुस जाए तो उसी को आयरन केज ऑफ रेशनलिटी कहा जाता है, पार्टिकुलरली इन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। खासतौर से जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां पे जो पर्सनल लाइफ है वो भी एक रेशनलाइजेशन के बेस पे हो जाती है, एक रेशनलाइज हो जाती है, सारी चीजें जो है वो एक फॉर्मल तरीके से होने लगती हैं, इसीलिए इसको आयरन केज ऑफ रेशनलिटी कहा जाता है। इंक्रीज रेशनलाइजेशन इनहेरेंट इन सोशल लाइफ, जब किसी भी सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन हो जाए तो उसी को मैक्स वेबर ने आयरन केज ऑफ रेशनलिटी कहा है। इंक्रीज रेशनलाइजेशन इनहेरेंट इन सोशल लाइफ पार्टिकुलरली इन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक, विशेष रूप से पश्चिमी पूंजीवादी समाज में सामाजिक जीवन में निहित तर्क संगता में वृद्धि, यानी कि जब विशेष रूप से जो आपका सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन में तर्क संगता बहुत ज्यादा निहित हो जाए तो इसी को तर्क संगता का लौह पिंजरा मैक्स वेबर ने कहा है। डिस इंचैंटमेंट क्या है, मोहभंग क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है, डिस इंचैंटमेंट का, मोहभंग का। इसमें क्या कहा है मैक्स वेबर ने, इन सोशल साइंसेज डिस इंचैंटमेंट इज द कल्चरल रेशनलाइजेशन एंड डिवेल्यूशन ऑफ रिलीजन अपेरेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे रिलीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, यानी कि धर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और रेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, डिस इंचैंटमेंट कहा जाता है। द टर्म वॉज बोरोड फ्रॉम फ्रेडरिश शिलर बाई मैक्स वेबर। सबसे पहले ये टर्म जो है डिस इंचैंटमेंट का फ्रेडरिश शिलर ने यूज किया था, उन्हीं से ये टर्म लिया है मैक्स वेबर ने और उसको डिफाइन किया है कि डिस इंचैंटमेंट इज द कल्चरल रेशनलाइजेशन एंड डिवेल्यूएशन ऑफ रिलीजन। जब कल्चर जो है वो रेशनलाइज हो जाए और रिलीजन का डिवोल्यूशन हो जाए, यानी कि रिलीजन की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगे तो उसी को डिस इंचैंटमेंट कहा जाता है। ठीक, मोहभंग क्या है, सामाजिक विज्ञान में मोहभंग आधुनिक समाज में स्पष्ट संस्कृति सांस्कृतिक युक्तिकरण और धर्म का अमूलन है। ये शब्द मैक्स वेबर द्वारा फ्रेडरिक शिलर ने उधार लिया है, यानी कि मैक्स वेबर ने सबसे पहले ये टर्म किसने बताया था, मोहभंग का, फ्रेडरिक शिलर ने बताया था, उन्हीं से मैक्स वेबर ने ये टर्म लिया है और उसको उसकी परिभाषा बताई है कि मोहभंग क्या होता है, जब भी सांस्कृतिक युक्तिकरण हो जाए और धर्म की वैल्यू धीरे धीरे धर्म का मूल कम होने लगे तो उसी को मोहभंग कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मैक्स वेबर के कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग बुक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बुक है उनकी। ठीक, तो सबसे पहले आता है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट और ये बुक दोनों रिलेटेड है किससे, मैक्स वेबर से। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये पब्लिश हुई है 1904 और 1905 में। ठीक, क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है तो ईयर भी आपको याद रखना है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1915 में पब्लिश हुई है। द रिलीजन ऑफ इंडिया द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ये 1916 में पब्लिश हुई है। एंशियंट जुडाइज्म 1917 में पब्लिश हुई है। साइंस एज वोकेशन 1917, पॉलिटिक्स एज वोकेशन 1919, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, द सिटी 1921, द थ्री टाइप ऑफ लेजिटिमेट रूल 1922। अब इसकी क्रोनोलॉजी आपको कैसे याद रखना है, तो यहां पे देखिए टी टी और टी आ रहा है, ठीक, उसके बाद ए आता है, टी 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 ए, उसके बाद एस, फिर पी, फिर ई, फिर टी, फिर टी। सो ट्रिपल टी एज पेट टी, ठीक, इस तरह आपको याद रखना है, ट्रिपल टी एज पेट टी। टी से क्या होता है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसके बाद टी से आता है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन,
उसके बाद आता है द रिलीजन ऑफ इंडिया, फिर आता है एंशियंट जुडाइज्म ए से, फिर एस से आता है साइंस एजुकेशन, फिर पी से आता है पॉलिटिक्स एजुकेशन, फिर ई से आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फिर टी से आता है द सिटी, फिर टी से आता है द थ्री टाइप ऑफ लेजिटिमेट रूल, ट्रिपल टी एज पेट्टी। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है, उसके बाद क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया है टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास के अलग अलग टाइप्स जो मैक्स वेबर ने बताए हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद क्लास इज इक्वल टू मार्केट सिचुएशन, ये मैक्स वेबर ने कहा है, वर्ग बाजार की स्थिति के बराबर है। रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा पढ़ा है, करिश्मा का नियमितीकरण। उसके बाद आता है इलेक्टिव अफिनिटी, चुनावी लगाव, ट्राइब इज लूजिंग टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, जनजातीय क्षेत्रीय महत्व खो रहे हैं। ठीक, लेजिटिमेसी वैधता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद स्टेटस सिंबल के बारे में पढ़ा है कि मतलब लोग जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही कोई चीज खरीदते हैं। ठीक, स्टेटस सिंबल यानी कि स्थिति चिन्ह। आयरन केज ऑफ रेशनलिटी, तर्क संगता का लॉ पिंजरा। ठीक, डिसएंचेंटमेंट यानी कि मोह भंग। उसके बाद बुक देखा है हम लोगों ने ट्रिपल टी एज पेट्टी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 30 सेकंड में आंसर करना है और क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही करना है जैसे अगर 3 का ए सही है तो इस तरह से 3 ए आपको लिखना है। और फास्ट आंसर करना है, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सबको आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटीज आर, तीन टाइप की अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वो तीन टाइप की अथॉरिटी कौन कौन सी हैं यही आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी आर, वेबर के अनुसार प्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं वो बताना है। रेशनलाइजेशन, रेशनल, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट, फ्यूडल ट्रेडिशनल एंड कारिज्मेटिक, लीगल ट्रेडिशनल एंड कारिज्मेटिक, नन ऑफ द अबव। ठीक, क्या होगा बताइए। तर्कसंगत, सामंती और पूंजीवाद, सामंती पारंपरिक और करिश्माई, कानूनी पारंपरिक और करिश्माई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फास्ट आंसर करना है आपको। लीगल अथॉरिटी, अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी आर, कौन कौन सी अथॉरिटी हम लोगों ने पढ़ा है। कल की क्लास में हम लोगों ने किया है अथॉरिटी को लेकर सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं। तीन टाइप की अथॉरिटी के बारे में बताया, तीनों हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फास्ट आंसर करिए, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सबका आंसर आना चाहिए। सुधांशर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज लीगल ट्रेडिशनल एंड करिश्मेटिक, यही आंसर है। तीनों अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर ने बात की है, लीगल ट्रेडिशनल एंड करिश्मेटिक। इसको आप LTC के नाम से याद रख सकते हैं, LTC। ठीक, LTC, लीगल ट्रेडिशनल एंड करिश्मेटिक। तो सी ऑप्शन सही होगा, कानूनी पारंपरिक और करिश्माई, कानूनी पारंपरिक और करिश्माई, कपक। कानूनी पारंपरिक और करिश्माई, कपक। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी आर लीगल ट्रेडिशनल एंड करिश्मेटिक, वेबर के अनुसार प्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं,
कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। नेक्स्ट, मैक्स वेबर इंटायर सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन। मैक्स वेबर की जो पूरी इंटायर सोशियोलॉजी है वो किसके बेस पे है? संपूर्ण समाजशास्त्र मैक्स वेबर पर आधारित है, यानी कि मैक्स वेबर का जो पूरा समाजशास्त्र है वो किस पे आधारित है? ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन, कैपिटलिज्म, सोशल एक्शन, नौकरशाही, धर्म, पूंजीवाद और सामाजिक कार्रवाई। नौकरशाही, धर्म, पूंजीवाद और सामाजिक कार्रवाई किस पे बेस्ड है? आंसर फास्ट। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है आपको। So the answer for this question is D, that is social action. Max Weber कहते हैं कि entire sociology जो है वो किस पे based है? Social action के base पे, सामाजिक कार्रवाई के base पे ही पूरा समाजशास्त्र है। क्या क्या है sociology के definition में, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको जो PDF दी जाती है वो जरूर पढ़िए, एटलीस्ट डेली अपलोड हो जाती है, डेली आप शाम में एक नज़र उस पर मार सकते हैं ताकि आपको पता हो कि क्या पढ़ाया गया है। तो सोशियोलॉजी के डेफिनेशन क्या बताई है? इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन एंड इंटरेक्शन। ये सोशियोलॉजी के डेफिनेशन बताई है मैक्स वेबर ने। इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, इसी को वर्स्टहेन का कॉन्सेप्ट भी दिया है मैक्स वेबर ने। ठीक, क्या कहा है समाजशास्त्र की परिभाषा क्या बताई है? सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य एवं बातचीत, यानी कि सामाजिक बातचीत की व्याख्या। ठीक, इसी को इन्होंने वर्स्टहेन कहा है। तो ये आपको PDF में दिया हुआ है। तो मैक्स वेबर इंटायर सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन सोशल एक्शन। संपूर्ण समाजशास्त्र मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग किस पर आधारित है? सामाजिक कार्रवाई पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू। जब आप एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक, अभिनेता के दृष्टिकोण से क्रिया के अर्थ को समझने की एक व्यवस्थित व्याख्यात्मक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो उस शब्द को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। ठीक, वर्स्टहेन कहा जाता है, कार्यात्मकता कहा जाता है, संरचनावाद कहा जाता है, संघर्ष दृष्टिकोण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्स्टहेन, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ठीक, फास्ट आंसर करिए आप लोग।
इसके पिछले स्लाइड में ही मैंने बता दिया है कि इंटरप्रिटेशन एंड ऑफ सोशल एक्शन एंड इंट्रैक्शन बर्स्टाइन का है इसको, ठीक। तो जब भी आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल एक्शन की मीनिंग समझने या उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको मैक्स वेबर ने कहा है बर्स्टाइन, ठीक। सो अ सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज रिफर्स टू एज बर्स्टाइन, ठीक। अभिनेता की दृष्टिकोण से क्रिया के अर्थ को समझने की एक व्यवस्थित व्याख्यात्मक प्रक्रिया वोस्टेहन कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ पर्सन एंजॉय अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज इनहेरिटेड स्टेटस देन द टाइप ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज, अगर इनहेरिटेड यानी कि उसके बाप दादाओं से चलती आ रही है, इनहेरिटेड इसे को कहा जाता है, व्हेन अ पर्सन एंजॉय अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज इनहेरिटेड स्टेटस, यानी कि ऐसा स्टेटस जो इनहेरिट होके आया है, उसके बाप दादाओं से आ रहा है, ठीक। तो ऐसी अथॉरिटी को क्या कहा जाता है, क्योंकि उसके बाप दादा जो है उस अथॉरिटी को इंजॉय कर रहे थे, इसी वजह से वो भी कर रहा है, तो ऐसी अथॉरिटी को क्या कहा जाता है, ठीक। जब कोई व्यक्ति अपनी विरासत में मिली स्थिति के आधार पर अधिकार प्राप्त करता है तो उस प्रकार के अधिकार को क्या कहा जाता है, यानी कि उसके जो बाप दादा थे उनके पास वो अधिकार था और फिर वो विरासत में आकर उसको वो अधिकार मिल गया है, तो ऐसे अधिकार को क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रेशनल अथॉरिटी, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी। पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई अधिकार या कानूनी तर्कसंगत अधिकार या लोकतांत्रिक सत्ता। फास्ट बताना है आपको, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक। क्योंकि इनहेरिटेड स्टेटस है ये, ठीक। तो इनहेरिटेंस कहाँ से आता है, ट्रेडिशनल ही होता है, ठीक। व्हेन अ पर्सन एंजॉय अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज इनहेरिटेड स्टेटस देन दैट टाइप अथॉरिटी इज नोन एज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति अपनी विरासत में मिली स्थिति के आधार पर अधिकार प्राप्त करता है तो उस प्रकार के अधिकार को क्या कहा जाता है, पारंपरिक अधिकार कहा जाता है, ठीक। तो उस प्रकार के अधिकार को पारंपरिक अधिकार, क्योंकि उसकी परंपरा से वो चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैक्स वेबर स्टडी ऑफ रिलीजन डिस्कस दैट कैल्विनिज्म बिलीव्ड इन, कैल्विनिज्म किस पे बिलीव करते हैं ये बताना है आपको, कैल्विनिस्ट किस पे बिलीव करते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैल्विनिस्ट किस पे बिलीव करते हैं ये बताना है। मैक्स वेबर स्टडी ऑफ रिलीजन डिस्कस दैट कैल्विनिज्म बिलीव्ड इन, मैक्स वेबर ने धर्म के अध्ययन में चर्चा की कि कैल्विन वाद किस पर विश्वास करते हैं। तो दो मैंने बताया था कि हिंदुइज्म के बारे में क्या कहा मैक्स वेबर ने और कैल्विनिज्म के बारे में क्या कहा मैक्स वेबर ने। कन्वर्जन, प्रीडेस्टिनेशन, रिपीटेंस, सिस्टमेटाइजेशन, रूपांतरण, पूर्व नियति, पश्चाताप, व्यवस्थीकरण। आंसर फास्ट, तो यही लास्ट क्वेश्चन है, आपको फास्ट आंसर करना है।
सो मैक्स वेबर स्टडी ऑफ रिलीजन डिस्कस दैट कल्विनिज्म बिलीव्ड इन प्री प्री डेस्टिनेशन. तो ये किस पे बिलीव करते हैं? प्री डेस्टिनेशन पे बिलीव करते हैं. ठीक. सो हिंदुइज्म के बारे में इन्होंने क्या कहा है? अदर वर्ल्डली या आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म. और कैल्विनिज्म को क्या कहा है? इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म. एक मिनट. आउटर वर्ल्ड और ये इनर वर्ल्ड. इनर वर्ल्ड एसेटिसिज्म, ये आउटर वर्ल्ड एसेटिसिज्म. कैल्विनिज्म के बारे में इनर वर्ल्ड यानी कि प्रीडेस्टिनेशन पे ये बिलीव करते हैं, और हिंदुइज्म को आउटर वर्ल्ड एसेटिसिज्म. तो ये पूर्व नियति पे विश्वास रखते हैं. ठीक. पूर्व नियति पे विश्वास रखते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको 5 मिनट दिया जाएगा, आप कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. वन मिनट. Okay, any question you can ask fast. क्लास को दोबारा डिफाइन करने में बहुत टाइम लगेगा. आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, पीडीएफ के बाद आपको नहीं समझ में आएगा तो कल आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं. अच्छा, वर्क को ठीक है, बार कर देता हूं. टाइप्स ऑफ क्लास ना, तो टाइप्स ऑफ क्लास में प्रॉपर्टाइट क्लास और नॉन प्रॉपर्टाइट क्लास. एक तो ये बताया था उन्होंने कि कुछ प्रॉपर्टाइट क्लास होती हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है. और दूसरा होता है नॉन प्रॉपर्टाइट क्लास, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, जज हैं, अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, ये सारे लोग जो है, इंजीनियर हैं, ये नॉन प्रॉपर्टाइट क्लास में आ जाते हैं. जो पेशेवर लोग हैं वो गैर संपत्ति वर्ग में आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, अकाउंटेंट हैं, सलाहकार. ठीक. और प्रॉपर्टाइट क्लास में वो लोग आ जाते हैं जिनके पास संपत्ति है, जो संपत्ति के मालिक होते हैं. ठीक. और दूसरा, इन्होंने पेटी बार्जोजीस, मैनुअल लेबर दो टाइप में बांटा है. तो पेटी बार्जोजीस कौन होते हैं? एक तो प्रॉपर्टाइट क्लास हो गया, दूसरा पेटी बार्जोजीस, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पेटी बार्जोजीस में रखा गया है. निम्न पूंजी वर्ग में रखा गया है, जैसे दुकानदार हैं या स्वतंत्र ठेकेदार हैं. तीसरा है मैनुअल लेबर. ठीक. मैनुअल लेबर क्लास कौन होते हैं? जो वर्किंग क्लास होते हैं, जैसे जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, क्लीनर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, ड्राइवर्स हैं, रिटेल असिस्टेंट्स हैं, ये सारे लोग जो है वर्किंग क्लास में आ जाते हैं. श्रमिक वर्ग में कौन आ जाते हैं? जैसे फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, डिलीवरी बॉय हैं, ड्राइवर हैं, खुदरा सहायक हैं, ये सारे लोग जो है किस में आ जाते हैं? श्रमिक वर्ग में आ जाते हैं. ठीक, समझ में आ गया अब क्या होता है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, फिर लीव करते हैं. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेलिनोस की. तो आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, अगर समझ में आएगा तो. क्या है लेजेंसी? क्या है?
लेजिटिमेसी है, लेजिमसी नहीं है, लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी कहते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल रेजिम को आप लेजिटिमेट तभी कह सकते हैं जब उनके जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि उस पॉलिटिकल रेजिम में जब जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि जो लोग पार्टिसिपेट, जो लोग पार्ट ले रहे हैं उसमें, उनके उन लोगों का जो है इस पॉलिटिकल रेजिम के प्रति बिलीफ हो, विश्वास हो, तभी वो लेजिटिमेट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। यही लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, कि कोई भी पॉलिटिकल रेजिम तभी लेजिटिमेट माना जाएगा जब उसके पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेंट का बिलीफ और फेथ हो उस पॉलिटिकल रेजिम में। ठीक, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध तभी मानी जाएगी जब उसके जो भी भाग लेने वाले लोग हैं, यानी कि जो प्रतिभागी लोग हैं, वो उस राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हों और उनकी निश्चित मान्यताएं हों उसके उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, तभी उसको वैध माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। बस, या और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।